फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारा उसको नोट डाउन करो फटाफट। आइडेंटिटीज बार बार लिख लिख कर उसको अच्छे से घस घस के उसको प्रैक्टिस कर लेना, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सा काम है वैसे वो, ठीक है क्या। अब जो इलस्ट्रेशन तुम करने जा रहे हो उसमें अगर सिली मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो उसमें कहीं कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नोट करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, as zeros of the quadratic polynomial f of x equals to x square minus 2x minus 8, then find the value of pehla sub part hai alpha square plus beta square, acha तो पहला सब पार्ट पहले इवेलुएट कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसमें लिखना वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू आइस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है एक बार। अच्छा अब उसमें अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले उसमें ये लिख लेना, ठीक है इसको नीचे लिखना थोड़ा सा, ये वाली जो चीज है इसको तुम थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखना एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ऐसा, ठीक है क्या। अब नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास वन, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास माइनस टू, सी की वैल्यू हो जाती है माइनस आठ, ठीक है। तो उसके बाद फिर तुम क्या लिखोगे, हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू अपॉन वन, अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास सी बाय ए, दैट वुड बी माइनस एट अपॉन वन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास आ जाता है टू एंड अल्फा बीटा तुम्हारे पास आ जाता है माइनस एट, ठीक है। अच्छा तो यहां पर फिर तुम अब लिख सकते हो वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस, पहले मतलब ये वाली चीजें लिख लेना, ठीक है अपनी कॉपी में पहले ये वाला पूरा लिख लेना अच्छे से, ये वाला पूरा ये सारी चीजें लिखोगे उसके बाद फिर ये चीज लिखोगे वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास टू का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस आठ ऐसा। अब ये चीज की कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो चार प्लस सोलह ये चीज आ जाएगी ट्वेंटी, ठीक है एक बार दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है ओके। इसके बाद देखो अगला जो सब पार्ट रहेगा तुम्हारे पास उसको तुम कैसे लिखोगे फटाफट, अगला जो तुमसे सब पार्ट पूछा गया है, ठीक है क्या, वो है अगला जो तुमसे सब पार्ट पूछा गया है वो है अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, इस चीज को इवेलुएट करना, ठीक है क्या। तो इसमें कैसे लिख लोगे देखो यहाँ पर अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुमने कैलकुलेट किया हुआ है पिछले वाले सवाल में से, ठीक है क्या, पिछले वाले सवाल में से तुमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ है और अल्फा बीटा की तो वैल्यू मेरे को पता ही है उसका होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, ठीक है एक बार। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उस चीज की वैल्यू देखो यहाँ पर अपने पास कितनी आई हुई है 20, ठीक है। इसका अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें इस सवाल में तो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारे पास 20 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू है आठ माइनस आठ सॉरी माइनस आठ का होल स्क्वायर ऐसा। तो ये चीज इवेलुएट अगर हम लोग करें कितनी आ जाएगी 400 माइनस दो
और ये हो जाएगा 64 ऐसा, ठीक है क्या। अब ये चीज की वैल्यू हो जाएगी 400 माइनस 128, ठीक है क्या। और इसको अगर तुम लोग इवेलुएट अगर करो तो वो चीज आनी चाहिए, 400 में से 100 गया तुम्हारे पास बचेगा 300, 300 में से 20 गया 280, और 280 में से 8 गया तुम्हारे पास बचेगा 272, ठीक है। अच्छा तो जो सेकंड पार्ट है तुम्हारा वो इवेलुएट हो गया है, ठीक है क्या। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वो इतनी आएगी, ठीक है। अब इसी तरह के और भी कुछ एक्सप्रेशन है, एक एक करके इवेलुएट करते जाते हैं क्विकली, ठीक है क्या। यहाँ देखो ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ध्यान रखो। थर्ड पार्ट तुम्हें जो इवेलुएट करना है वो है अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है क्या, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, इस चीज को इवेलुएट करना है, ठीक है क्या। अब जरा अगर तुम इस गिवन एक्सप्रेशन को अगर देखो तो तुम ऐसा पाओगे कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा कैन बी रिटन एज, अल्फा बीटा को अगर तुम कॉमन अगर ले लो तो अंदर जो चीज बचेगी दैट इज बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बहुत ही आसानी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुमको कितना दिया हुआ है माइनस 8, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से अपने पास माइनस 8 और सम ऑफ रूट्स से अपने पास 2, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया माइनस 8, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप करो और फिर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो जाता है तुम्हारे पास 2। अब ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस 16, ठीक है। बढ़िया, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो जितने भी अपने पास गिवन एक्सप्रेशन आ रहे हैं उन सभी एक्सप्रेशन को हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में पूरा पूरा लिख ले रहे हैं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमें आती है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और वो चीज हम लोगों को आता है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगला जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू तुम्हें इवेलुएट करनी है वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, ठीक है। अच्छा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो कैसे इवेलुएट करोगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज नथिंग बट अगर तुम एलसीएम लो तो वो चीज कितनी आएगी अल्फा बीटा, और ऊपर जो न्यूमरेटर तुम्हारे पास बनेगा दैट वुड बी बीटा प्लस अल्फा ऐसा। तो अगेन सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स तुम्हारे पास कितना है 2 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास कितना है माइनस 8। इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 1/4, दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है बा, ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ये चीज। तो अगला सब पार्ट इसका लिखते हैं, ठीक है, फिफ्थ वाला जो सब पार्ट है अपनी अपनी कॉपियों में लिखते हैं। चलो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फा क्यूब, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब, इस चीज की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अपने पास आया था कितना माइनस 8, ठीक है, और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया था अपने पास माइनस 8 और सम ऑफ रूट्स आया था अपने पास 2, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अपने पास आया है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया अपने पास माइनस 8, ठीक है, 2 और माइनस 8, ठीक है। चलो तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अभी अभी तुम्हें आइडेंटिटीज में लिखवाया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा ऐसा। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा माइनस 8, और सम ऑफ रूट्स कितनी वैल्यू दी हुई है उसकी 2। अच्छा इस चीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, ये हो गया 8, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 8 is 48, दैट बिकम्स 56, ठीक है, ये अपना आंसर होगा, ठीक है बात। अच्छा इसके बाद अगला जो सवाल है नोट डाउन करो, सिक्स्थ सब पार्ट, ठीक है, सिक्स्थ सब पार्ट हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है बात। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है, तो वही सिंप्लीफाई करते हैं और उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश एक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो एलसीएम जब तुम लोगे, ठीक है, तो वो आएगा अल्फा बीटा और ऊपर जो न्यूमरेटर तुम्हारा बनेगा। अच्छा आप कुछ लोगों को वेरिएबल के एलसीएम वगैरह लेना आता नहीं है, ठीक है, तो एक थोड़ी सी एक चीज ये देख लो, जैसे अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन लेट से ए बी अगर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, एक बार तो एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं, जैसे ए बी और बी सी का एलसीएम कैसे लोगे। अभी के लिए इसको विदाउट प्रूफ तुम थोड़ा सा ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लो, एलसीएम कभी भी जब भी तुम्हें दो नंबर्स का लेना रहे या फिर मैं कहूँ ऐसे दो वेरिएबल एक्सप्रेशन का अगर तुम्हें लेना रहे तो उसमें क्या करना, जो तरीका बता रहा हूँ अच्छे से देख लो, उसमें जैसे अभी मेरे को लेना है ए बी और बी सी का एलसीएम अगर लेना है तो जितने भी टर्म्स तुम्हारे पास आ रहे हैं सबको मार्केट में लिख लो, पहले जितने भी मार्केट में जितने भी टर्म्स है तुम्हारे पास ए बी और सी है
लिख लिया तुमने, और उसमें जो जो हाईएस्ट पावर्स आ रही है तुम्हारे पास उसको हाईएस्ट पावर उस टर्म की उसमें चढ़ा दे। जैसे ए की हाईएस्ट पावर अभी तुम्हारे पास कितनी आई हुई है यहाँ पर, वन, तो वन का वन ही लिख दो। बी की हाईएस्ट पावर जो आई हुई है तुम्हारे पास दैट इज वन, उसको वैसी का वैसे लिख दो। सी की भी जो तुम्हारे पास हाईएस्ट पावर है वो वैसी का वैसे लिख दो। तो एलसीएम तुम्हारे पास कितना हो गया, ए बी सी, ठीक है। अच्छा अब देखो एलसीएम के बराबर अगर तुमको डिनोमिनेटर को बनाना है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए का, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए का, ठीक है। एक बार बढ़िया, ये मैं तुम्हें एडिशन सिखा रहा हूँ, ये आना तो चाहिए कायदे से, लेकिन मेरे को अभी पक्का पता है कि नाइन्थ में आने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये ऐड और सबट्रैक्ट करना नहीं आता है, ठीक है। अच्छा अभी अगर ऊपर और नीचे अगर तुम सी का अगर मल्टीप्लीकेशन करो तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया एबीसी एबीसी। अब मैं क्लब कर सकता हूँ दोनों फ्रैक्शन को। अब जब डिनोमिनेटर एबीसी हो गया है तो उसके बाद ऊपर देखो न्यूमरेटर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इवेलुएट होकर इतना बन जाएगा, ठीक है। बात ध्यान रखना कैसे किया गया करके, जैसे एक एडिशन का एग्जांपल और मैं करके तुम्हें दिखा देता हूँ, बी अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस सी अपॉन लेट से बी स्क्वायर सी है मेरे पास ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे लोगे, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, पहले तो जितनी भी टर्म्स मार्केट में आई है वो लिख डालो, ए बी सी ये तीनों टर्म्स आई है मार्केट में, ए की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, बी की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, सी की जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, तो उसमें वन है इसीलिए मैं कुछ नहीं पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार अच्छा इसके बाद ए स्क्वायर सी में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बन जाए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जरूरत है तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करो। अब एलसीएम के बराबर बनाने के लिए बी स्क्वायर सी को क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर से फिर यहाँ भी मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक बा। अच्छा उसके बाद देखो तुम ये जो पूरा डिनोमिनेटर है तुम्हारे पास, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है तुम्हारे पास और यहाँ भी देखो ये जो तुम्हारा पूरा डिनोमिनेटर है अभी ये दोनों सेम बन गए हैं इसके बराबर, तो मैं क्लब कर सकता हूँ। अब न्यूमरेटर को जब तुम क्लब करोगे तो आएगा तुम्हारे पास बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दो फ्रैक्शन वेरिएबल टर्म्स में जो फ्रैक्शन तुमको दिए हुए वेरिएबल के फॉर्म्स में, वेरिएबल के फॉर्म में उसको क्लब कैसे करना है वो चीज मैंने अभी अभी तुम्हें सिखाई है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कैसे इवेल्युएट किया जाता है करके, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पर देखो अपनी कैलकुलेशंस पर वापस लौटते हैं, ये सारा एग्जांपल वगैरह यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ये तो अब मेरे ख्याल में सीख गए हो तुम, ठीक है, तो गड़बड़ी नहीं करोगे मेरे ख्याल में, ठीक है। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये साफ हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा की जरूरत है तो यहाँ पर भी अल्फा से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर बनेगा अल्फा स्क्वायर, और देखो यहाँ पर बीटा की जरूरत है, यहाँ पर भी बीटा से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। जैसे दोनों डिनोमिनेटर क्लब हो गए हैं, न्यूमरेटर क्लब होने के बाद क्या बनेगा तुम्हारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा एक और मजे की बात की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी इवेलुएट किया हुआ है हम लोगों का, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इवेलुएट करने के बाद आता है कितना, 20 आया था मेरे ख्याल में, हाँ ठीक 20 आता है, ठीक है। तो फिर से वापस इवेलुएट करने की क्या जरूरत है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 20 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू थी अपने पास माइनस 8, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस 10 अपॉन, अच्छा 4 5 जा और 4 2 जा, तो माइनस 5/2 आ जाएगा इसका आंसर तुम्हारे पास, माइनस 5/2, दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अगला सब पार्ट फिर हम लोग इवेलुएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हो गया सेवन्थ सब पार्ट, ठीक है, सेवन्थ सब पार्ट लिखो फटाफट। ये ले लेते हैं अपन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अगेन यहां पर भी इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने की बात है, तो यहां देखो धीरे धीरे मैं करके बताता हूँ इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट कैसे करेंगे करके, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले लिखो, एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अल्फा भी उठा लिया बीटा भी उठा लिया, दोनों की हाईएस्ट पावर्स कितनी है, 1 1 है तुम्हारे पास, तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया तुम्हारे पास। अच्छा अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ बीटा है, अगर इस डिनोमिनेटर को तुम्हें अल्फा बीटा के अगर बराबर बनाना है तो यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर तुम्हारे पास बनेगा वो कितना बन जाएगा, अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा प्लस, अब देखो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको अगर तुम्हें अल्फा बीटा अगर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज कितनी आ जाएगी बीटा क्यूब ऐसा, और उसके बाद क्लब होने के बाद दोनों डिनोमिनेटर्स जब सेम हो चुके हैं तब उसके बाद जब तुम दोनों न्यूमरेटर्स को क्लब करोगे तो वो चीज कितनी आ जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है बात। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी वैल्यूएट कर चुके हैं पीछे के सम्स में, ठीक है, कितना आता है अपने पास 56, ठीक है,
तो यहाँ पर क्विकली कितना लिख लेंगे हम लोग, 56 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आती है -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 7 दैट बिकम्स -7, ठीक है भाई। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एक और सब पार्ट लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास अगला सब पार्ट अल्फा बाय बीटा, ठीक है। अच्छा इसको रन देते हैं, इसको इवेलुएट कर लेते हैं। अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, ऐसा, ठीक है। तो याद करो इसी के जैसा एक सवाल तुमने किया है, ठीक है क्या, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया, देखो सेकंड या थर्ड सवाल था, थर्ड वाला सवाल है, ये देखो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसमें तुमने अल्फा बीटा कॉमन निकाला था, ठीक है भाई। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो जो अल्फा और बीटा की जो हाईएस्ट पावर्स कॉमन आ सकती है निकल के इसमें से, वो कितनी आ सकती है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, दैट कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अगर तुम इसमें से अगर कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर जो चीज बचेगी दैट वुड बी अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, ठीक है भाई। यहां से अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर निकाल लो तो बचेगा क्या, अल्फा, और यहां से अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अगर निकाल लो तो बचेगा क्या, बीटा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो अल्फा बीटा का होल क्यूब, और यहां पर लिख सकते हो तुम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई। अच्छा तो इससे सम ऑफ रूट्स तो अपने पास कितना था, कितना था अपने पास सम ऑफ रूट्स 2, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास कितना था -8, तो ये इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसकी इवैल्यूएशन अगर तुम करो तो एक माइनस साइन तो आना ही वाला है, 8 8 64, और 64 into 8 दैट वुड गिव यू 512, ठीक है, टाइम्स 2, और इसको अगर इवेलुएट करोगे तो आएगा -1024, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, ठीक है ये चीज। अच्छा इसके बाद अगला एक और सब पार्ट्स कर लो, ठीक है, इसके बाद एक और कर लो फटाफट 9th, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को इवेलुएट करके देनी है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे पास इस एक्सप्रेशन को अगर तुम इवेलुएट करोगे तो वो चीज कितनी आएगी, देखो अपने को वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने सीखा था एलसीएम से, वो चीज तुम्हें करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं स्टेप वाइज करके दिखा देता हूँ, वैसे तो ये बहुत ही आसान काम है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन तक नहीं आता है, 9th पास तो कर गए हैं बट एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना जिन लोगों को नहीं आता है उनको ये मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरह से किया जाता है, वरना एलसीएम वगैरह लेना और उसके बाद ये सब एडिशन वगैरह करना, ये सब बहुत ही लो लेवल काम है, ठीक है। बट फिर भी मैं स्टेप्स तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो तुम्हारे पास टर्म्स क्या क्या आ रही है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, अल्फा और बीटा दो टर्म्स है तुम्हारे पास, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर दोनों ले लो, ठीक है। तो एलसीएम आ गया तुम्हारे पास, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब उसमें इवेल्युएशन कैसे करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर तुम्हें बनाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को एलसीएम अपने पास कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तुम्हें, ये देखो ये जो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर है, यहाँ बीटा स्क्वायर तो है, अल्फा स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर का जैसे तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे अल्फा स्क्वायर में, दैट विल गिव यू अल्फा की पावर 4 प्लस। अब देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर तो है, बीटा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो बीटा स्क्वायर लगाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो दैट वुड गिव यू बीटा की पावर 4। अच्छा अब उसके बाद ये इवेलुएट होकर कितना आ जाएगा, अब हम लोगों के पास डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो उसके बाद जैसे ही हम लोग न्यूमेरेटर को क्लब करेंगे अपने पास आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की इवेलुएशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है क्या, और नीचे क्या लिखा है तुम्हारे पास, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यहाँ पीछे से ढूंढ लो अपना कितना आता है उसका आंसर, किया तो था हम लोगों ने, फिर से मैं एक्चुअल में इवेलुएट करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। अरे यार हाँ ये 272, ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज 272,
ठीक बात। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 272 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास कितना था -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसको नीचे 64 मत लिख देना गधों समान, उसको ऐसा करो 272 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 8 × 8 तो 8 × 1 = 8, 3 = 24 और ये हो गया ऐसा 34 और फिर ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 4, तो इसको अगर तुम इवेलुएट करो तो ये चीज आएगी 17/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है भाई। तो अब मेरे ख्याल में इसके बाद के जो आगे वाले सवाल है मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, कुछ वो वाले सवाल तुम अटेम्प्ट करके रखना, ठीक है क्या। और उसके बाद एक नए टाइप का इलस्ट्रेशन हम लोग शुरू करेंगे, इसी कंसेप्ट पर आधारित है वो भी, सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के ही कंसेप्ट पर, ठीक है क्या, जो कि कंसेप्ट वीडियो नंबर 3 के आखिरी आखिरी में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है। उसके बेसिस पर भी एक तो मैं पहले कंसेप्ट वाला वीडियो एक अच्छे से पुटअप कर लूंगा, उसके बाद उस टाइप के सवाल भी मैं पुटअप कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी जो सवाल तुम्हें दिए जा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है, ओके।